देश के कई राज्यों में कोयला संकट के चलते घमासान जारी है। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम गहलोत ने जहां सोशल मीडिया पर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों पर 3 गुना महंगा कोयला खरीदने के लिए दबाव बना रही है। गहलोत ने केंद्र सरकार से आयातित कोयले की खरीद की जरूरत दूर करने का भी आग्रह किया। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री निवास पर सीएम ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए उत्पादन निगम को प्रदेश में स्थापित विद्युत उत्पादन इकाई के सुचारू संचालन और उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आयातित कोयले की कीमत उस रेट से 3 गुना ज्यादा है जो कोल इंडिया की ओर से दी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों पर दबाव बना रहा है कि आयातित कोयला खरीदे, इसकी कीमत देश में उत्पादित कोयले से 3 गुना अधिक है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर राजस्थान आयातित कोयले की खरीद करता है तो उसे 1736 करोड़ रुपए का बोझ उठाना पड़ेगा। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को 4% आयातित कोयला खरीदने के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, जबकि इसे अप्रैल में 10% खरीदना अनिवार्य कर दिया गया। इस दौरान गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि आयातित कोयले की कीमत कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए जा रही कोयले की कीमत से 3 गुना अधिक है। इसकी लागत लगभग 1736 करोड़ रुपए है, जो घरेलू कोयले की लागत से काफी अधिक है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राज्य में बिजली उत्पादन इकाई को संचालन सुनिश्चित करने और उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी, मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा, ऊर्जा विभाग के सलाहकार AK गुप्ता सहित ऊर्जा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए जयपुर से हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।